पेज निकाल लो पहले, अच्छी तरह से स्क्रीन में शो होना चाहिए बेटा पेज आपको, ताकि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से रीड कर ले या यहाँ से देख कर अच्छी तरह उनको पता चल जाए। ठीक है, अभ्यास का फर्स्ट पॉइंट है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ठीक है बेटा जी, लोहड़ी है, हिंदी को कैसे लोहड़ी लिखते हैं, अगर लोकगीत है लोकगीत कैसे लिखते हैं, रेवड़ी है रेवड़ी कैसे लिखते हैं, गिद्धा गिद्धा, पट्टो पट्टी, पंजाब पंजाब, मूंगफली मूंगफली, भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। ठीक है, इसके आगे हमारा सेकंड पॉइंट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। शालू शालू क्या होता है, दुपट्टा। गोहा गोबर, कुड़ी कुड़ी को क्या बोलते हैं, लड़की। पाथियां उपले, वेहड़ा आंगन, मक्की मकई। ठीक है बेटा जी, आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पढ़ो समझो और लिखो। नौ दो बेटा, नौ प्लस दो, आधा नौ दो, आपने वो वर्ड बनाना है जिसमें आधा नौ और दो आए, जैसे सुंदर आनंद। ठीक है, आधा तो यो त्योहार, दो यो आधा धो यो मध्य, लो लो दुल्हा मोहल्ला, को शक्कर चक्कर, टो टो बट्टी लुट्टी, ग ग भुग्गा। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारे शब्दार्थ, आगे क्या है हमारे शब्दार्थ, लोकगीत। लोकगीत का क्या अर्थ है, साधारण जनता में प्रचलित गीत। उपले गोबर में तूड़ी आदि मिलाकर हाथों से थोप पीट कर बनाई गई टिकिया। गिद्धा स्त्री द्वारा दिया किया जाने वाला पंजाबी लोक नृत्य। बोले मतलब जूते, भंगड़ा मतलब बड़े ढोल के ताल पर होने वाला पंजाबी लोक नृत्य। इस तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, बताओ बताओ में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको बताइए। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, लोहड़ी का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, आपने आंसर लिखना है। लोहड़ी का त्यौहार जनवरी को, 13 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब मिडल में आ जाता है ना, तो आपने लिखना है लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए बच्चे क्या क्या तैयारियां करते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए बच्चे डोलियों में जाकर घर घर जाते हैं और दिल और घर घर जाके लकड़ियां और गोबर के पुले मांगते हैं। लकड़ियां किस आकार में चीनी जाती है, लकड़ियां गोल आकार में चीनी जाती है। जलती हुई आग में क्या क्या डाला जाता है, जलती हुई आग में तिल और रेवड़ियां डाली जाती है। लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं, लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली गचक भुग्गा और मूंगफली रेवड़ियां गचक भुग्गा और तिल खाते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे हमारे इसका है एक्सरसाइज, पढ़ो समझो और लिखो। जैसे लड़की लड़की लिखी है, आपने लड़कियां लिखनी है, टोली टोलियां, लकड़ी लकड़ियां, रेवड़ी रेवड़ियां। ठीक है, आगे सब हमारा ये है लड़का, ये इसका मतलब कि ये लिंग वचन है, ये पहले वाला था एक वचन, यहाँ पे वचन बदलो और यहाँ पे लिंग बदलो। ठीक है, लड़का नहीं सॉरी, ये भी हाँ ये बहुवचन है, ये सारा लड़का लड़के, उपला उपले, मोहल्ला मोहल्ले, दाना दाने। आगे है हमारा इनसे नए शब्द बनाओ। नंद 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 लाल बना दो, तयो तयो आधा तयो प्रयत्न बना दो। ठीक है, दयो मद बना दो,
छुट्टी, ग ग भुग्गा। ठीक है बेटा जी, आगे हमारा है रचनात्मक अभिव्यक्ति। लोहड़ी के समय गाए जाने वाले अन्य गीत याद करें और स्कूल में या घर में लोहड़ी के त्यौहार पर इन्हें सुनाए। अध्यापक से पता करें कि साल में कितने महीने होते हैं और सभी महीनों के नाम लिखें। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद हमारा आता है अपने परिवेश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की सूची बनाएं और पता करें कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है बेटा जी, अपना जो हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जनवरी को क्या मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, ठीक है, जितने भी साल में हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, फिर आता है बसंत आती है, लोहड़ी आती है, बसंत आती है, दीपावली आती है, ईद आती है और होली आती है, ये सारे त्यौहार आपने लिख लेना है। ठीक है बेटा जी, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये मेरा लेसन समझ आया होगा। टेक केयर।